Mem sao dud? ये चल क्या रहा है? मेरी वाइफ और दूध वाले के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखनी पड़ेगी। दूध वालों मेरी बहू है, पैसा देके गए। और ये पैसा क्यों देके गए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता करनी पड़ेगी मुझे। अरे दूध वाला आ गया, जल्दी से दूध ले लेती हूँ। ठहरो, तुम नहीं लोगी दूध, तुम अंदर चलो, मैं लेता हूँ इससे दूध। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, आपके पैर में भी चोट लगी है। कोई बात ना, पैर में चोट लगी है तो यहाँ तक चल के आया हूँ, तो वहां तक भी जा ही सकता हूँ ना। अंदर चल तू। आज तो पता करके ही रहूंगा। अरे साहब, आप मैम साहब नहीं है? ना मैम साहब ना है, मैम साहब कुछ काम कर रही हैं, आज मुझे दो। नहीं साहब, मैं तो मैम साहब को ही दूध दूंगा, मुझे हिसाब करना है। तो हिसाब कल कर लियो ना, कल भी हो जाएगा तेरा हिसाब। दे इधर दूध, दे ना। आज तो पता करके ही रहूंगा, चक्कर क्या है। इसमें तो दूध है। इसमें तो पैसे होने चाहिए थे ना, पता ना चल क्या रहा है, मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। आज तो मैं बाल बाल बच गई। छी सिमरन, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू एक दूध वाले के साथ, अरे वो तुझे पैसे दे के जा रहा है, तेरा इस दूध वाले के साथ क्या चक्कर चल रहा है मुझे साफ साफ बता। वो भला तुझे क्यों पैसे दे के जाएगा? तू जरूर कोई गलत काम कर रही है। चुपचाप बता क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में, तू जरूर कुछ दिन में उसके साथ भागने वाली है, पता है मुझे। चुप करो, इतना गलत मत बोलो मेरे को, ये पैसे मेरे को दूध वाला नहीं, मेरी माँ भेजती है। सिमरन तू झूठ बोल रही है, तेरी माँ दूध वाले के हाथ भला पैसे क्यों भेजेगी? तू अपना सच छुपाने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोले जा रही है। जब मैंने अपनी माँ को बताया ना कि अनु की जॉब छूट गई है, उसके पैर पे चोट लगी है, तो मेरी माँ ने बोला कि अनु खुदार है, वो खुद से तो पैसे कभी लेगा नहीं, उन्होंने दूध वाले के हाथ पैसे भेजने शुरू कर दिए। छी, तुम कितना गलत सोचते हो मेरे बारे में। वो हमारी मदद करने के लिए पैसे भेज रही थी, और मैंने तेरे बारे में क्या ही सोचा। सिमरन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बारे में कितना गलत समझ लिया, आज मुझे पता चल गया, कभी कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता। और मैं जल्दी जॉब लग के ना तुम्हारी मम्मी के सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दिया।